हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज हम एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कट पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है और अलग अलग फिगर दी गई है और इन फिगर्स की साइड्स दी है हमें 3, 4, 5 एंड 6 अलग अलग साइड्स दी है अलग अलग फिगर। हमें यहाँ पे एंगल सम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि 180 डिग्री है थ्री साइड्स के लिए। अगर फोर साइड्स होती है तो एंगल सम हो जाता है 4 - 2 × 180 विच इज इक्वल टू 360, और फाइव साइड्स हो तो 5 - 2 × 180 विच इज इक्वल टू 540। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें एंगल सम निकालना है। हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर आपके पास 7 साइड्स है तो उसका एंगल सम क्या होगा। तो हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल सम (n-2)(180°). मतलब कि जो साइड्स भी है उस साइड को आप -2 से सब्ट्रैक्ट करो और मल्टीप्लाई करो 180 से। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास साइड है 7, तो 7 - 2 तो हो जाएगा 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज इक्वल टू 900°। मतलब कि 7 साइड से जो फिगर बनेगी उसका टोटल एंगल 900° होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी करना है फॉर 8 साइड। सो 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 180 तो आ जाएगा 1080°। ठीक है, मतलब कि 8 साइड से मतलब कि ऑक्टागोन बनेगा तो यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ पॉलीगोन यहाँ पे हो जाएगा 1080°। फॉर 10 साइड्स 10 - 2 मल्टीप्लाई 180 विच इज इक्वल टू 8 × 180 सो 1440°। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, अगर n साइड्स हो तो क्या होगा। तो हम जान रहे हैं जनरल फॉर्मूला (n-2) मल्टीप्लाई बाय 180°। तो दोस्तों जब भी कभी आपको एंगल सम ढूंढना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद कर देना है (n-2) मल्टीप्लाई बाय 180, तो आप किसी भी पॉलीगोन का टोटल एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगोन। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था रेगुलर पॉलीगोन के बारे में, आपको समझाया था मैंने कि कोई भी पॉलीगोन की सभी साइडें इक्वल हो एंड सभी एंगल भी इक्वल हो तो हम उसे रेगुलर पॉलीगोन कह सकते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, अ पॉलीगोन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगोन। अब यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि 3 साइड में रेगुलर पॉलीगोन कौन सा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक रेगुलर पॉलीगोन है। नाउ 4 साइड्स के लिए स्क्वायर को हम कह सकते हैं क्योंकि 4 साइड्स की चारों साइड्स इक्वल होती है और उसके चारों एंगल जो कि 90° के होते हैं। और 6 साइड्स में होता है कि सभी साइड्स इक्वल होगी और उसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 3 साइड्स के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स के लिए स्क्वायर और 6 साइड्स के लिए रेगुलर हेक्सागोन आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फाइंड द एंगल ऑफ मेजर एक्स। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम का हमें फिगर दिया गया है और यहाँ पे 3 एंगल्स दिए गए हैं और चौथा एंगल हमें फाइंड करना है। हमने आगे पढ़ा हुआ है कि सम एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटर होता है 360। तो हम ये क्या करना है, सभी एंगल को प्लस करना है इक्वल टू 360। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। सभी एंगल को प्लस करो, यहाँ पे 3 एंगल दिए हैं 50 + 130 + 120 + x = 360। अब सभी एंगल को मैंने तीनों एंगल को प्लस किया तो मेरा आया x + 300 = 360। अब यहाँ पे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 360 - 300 विच इज इक्वल टू 60° विच इज द 4th एंगल ऑफ आवर ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब दूसरे फिगर देखते हैं बी फिगर। यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 साइड है, आप देख सकते हो 4 साइड 1 2 3 एंड 4
चार साइड से, अब चार साइड्स होती है तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180, सो 4 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 विच इज इक्वल टू 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटर 360 होता है। अब सभी एंगल को प्लस करो, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल दिए है तीन, अब यहाँ पे एंगल दो ही दिए थे लेकिन तीसरा मैंने फाइंड किया कैसे, यहाँ पे ये राइट एंगल फाइंड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो हमारे पास तीन एंगल आ गए 90, 70 और 60, ठीक है, तीनों एंगल को प्लस किया हमने तो मुझे मिला 220। अब 220 को 360 से माइनस करो जो कि हमारा हो जाएगा 140, जो वो हमारा फोर्थ एंगल है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है, सबसे पहले फिगर में हम देखेंगे कि साइड्स कितनी है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांच साइड दी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें टोटल एंगल निकालना है। सो फॉर्मूला है एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180, मतलब कि 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 विच इज इक्वल टू 540। तो टोटल एंगल हमें पता चल गया है 540, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको दो एंगल पता नहीं है लेकिन यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो लीनियर पेयर हम जानते हैं कि क्या होता है कि 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करूँ तो इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, तो 180 में से 16 को माइनस करता हूँ तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा 120, और 180 में से 70 को माइनस करता हूँ तो आ जाएगा 110। नाउ ऐड ऑल द एंगल्स, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 30 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 540। सभी को ऐड किया तो हो जाएगा एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 280 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 140। तो हमारे यहाँ पे जो x है दोनों ही एंगल सेम है, मतलब कि दोनों की वैल्यू 140 डिग्री होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर नंबर डी हमें दिया गया है जो कि एक रेगुलर पेंटागोन दिख रहा है, मतलब कि पांच साइड है। अब रेगुलर पेंटागोन का एंगल सम होता है 540, जो कि हमने पहले फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से लाया। अब यहाँ पे सभी एंगल सेम है एक्स 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 एक्स, तो हमें क्या करना है सभी एंगल का प्लस करो तो होता है 5x, तो 5x इक्वल टू 540, देयरफॉर x इक्वल टू 108 डिग्री। यहाँ पे सभी एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है, तो सभी एंगल्स हो जाएंगे 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे हमें एक फिगर दी है, फिगर से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो अंदर जो फिगर बन रही है वो ट्राइंगल बन रहा है, और एंगल सम की मदद से हम यहाँ पे एंगल सम होता है फॉर ट्राइंगल 180 डिग्री। यहाँ पे हमें दो एंगल दिए हैं, एक 30 डिग्री और 90 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो 90 प्लस 30 होता है 120, ठीक है। 120 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से हमने 90 प्लस 30 और मैंने जो एंगल फाइंड करना था उसको ए ले लिया, सो 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें बाकी के रिमेनिंग पेयर निकालने हैं। अब रिमेनिंग पेयर में हमें फिगर में देखना पड़ेगा कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्स निकालना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। अब लीनियर पेयर क्या होता है कि सम ऑफ द टू एंगल विच इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे एक 90 है तो 180 में से माइनस करो 90 को तो दूसरा एंगल, मतलब एक्स एंगल हमारा आ जाएगा 90। उसी तरह से सेकंड के लिए ये वाई के लिए, यहाँ पे 60 है तो 180 में से माइनस करो 60 तो ये वाई एंगल आ जाएगा 120। उसी तरह से जेड में यहाँ पे 30 है तो बाहर का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 150। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो हमारा हो जाएगा 360, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिगर है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वाड्रिलेटर शेप दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटर सम ऑफ एंगल क्या होता है, यहाँ पे 360 होता है क्योंकि चार साइड है 1, 2, 3 और 4। अब फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल एंगल सम होता है 360। अब यहाँ पे तीन एंगल दिए हैं 60, 80 और 120। अब तीनों को हम ऐड करेंगे तो 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 60 260 होता है। अब चौथा ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चार साइड बन रही थी मतलब कि सम एंगल सम 360 होता है, 360 में से 260 जाएगा तो हो जाएगा 100, ठीक है। लेकिन इसको लिखते कैसे है आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर पेयर दिया हुआ है,
लीनियर पेयर में हमें एक एंगल 120 का था, दूसरा एक्स था, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 20 60। उसी तरह से वाई भी, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, तो वाई प्लस 80 इक्वल टू 180, देयरफॉर वाई इक्वल टू 100। उसी तरह से जेड मिला 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120, और उसी तरह से डब्ल्यू हमें मिल गया 80। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वाई प्लस जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू टोटल कितना होता है, तो हम सबको ऐड कर देंगे सभी एंगल को, तो हो जाएगा 360। आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना।